चरमंत्र का स्वाद रिश्तों का में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, और आज बनेगी एक बढ़िया चीज। और क्या बना रहा हूँ मैं? बना रहा हूँ जिंजर चिकन, सिंपल अपने अंदाज वाला। फटाफट चिकन ब्रेस्ट ले लेता हूँ। ये देखिए, बोनलेस चिकन ब्रेस्ट ले लिया आपने, और ये इसे साफ कर लेते हैं। और इसकी जो कटिंग है ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी स्पेशल, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, मैं इस तरह से स्लाइसेस काट रहा हूँ। ये लीजिए, अब ये चिकन काट लिया, ये बोल ले लेते हैं। बोल में पहले जिंजर, जिंजर पेस्ट मैं अपना अंदाज वाला बना रहा हूँ। ये दो बड़े चम्मच जिंजर पेस्ट के ले लिए। रेड चिल्ली पेस्ट, जी हाँ, ये ले लिया। इसके साथ साथ ये जो चिकन है, ये सारा इसमें ले लिया। और इसमें अजी एनर्जी डालेंगे थोड़ी सी, तो एनर्जी के लिए सिंपल, ओ जी नमक शमक डाल देते हैं। नमक शमक, क्या बात है, क्या बात है। अब इसमें जो जिंजर फ्लेवर है ना, बड़ा कमाल का, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आ रहा है। और मैं क्या करूंगा, इसमें अंडा डाल दूँ। ये लीजिए, ये अंडा डाल लिया। अंडे को मिक्स कर लेते हैं चिकन में, और तीन बड़े चम्मच कॉर्न स्टार्च के डालिए और मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, कम से कम 15-20 मिनट तक रखें, और उसके बाद दूसरा काम कर सकते हैं। अब ये जो चिकन है, इसे बिल्कुल गर्मा गर्म तेल में फ्राई कर लेते हैं। चाइनीज में फ्राइंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और फ्राइंग में मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करें, यूनिफॉर्मली फ्राई होनी चाहिए। क्या बात, मैं क्रिस्प फ्राई नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल जूसी चिकन चाहिए। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल मजेदार है, सिंपल है। तेल, लाल मिर्चें सूखी वाली, जी हाँ, ये लीजिए। जिंजर का काफी इन्फ्लुएंस रहेगा, ये देखिए, जिंजर मैं काफी सारा यूज करूंगा। बिल्कुल जिंजर चिकन बना रहा हूं। फ्राई करते वक्त मैंने बैटर में भी जिंजर पेस्ट डाला था। देखिए, जिंजर बढ़िया भून गया। अब मैं इसमें चिली पेस्ट, जी हाँ, मेरे पास मिराकल मसाला है। यह जो सहूलियत वाली चीजें हैं ना, ये कहीं पे भी यूज करनी चाहिए, अपने फायदे के लिए भाई। ये लीजिए, अब इसमें से ये मसाला लिया, दो बड़े चम्मच ले लिए, गैस धीरे कर लिया, और थोड़ा सा स्टॉक डाल लें। और अगर स्टॉक नहीं है तो चिंता ना करें, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। ये लीजिए, ये थोड़ा सा भूनने देते हैं, तब तक मैं फटाफट स्प्रिंग अनियन काट लेता हूँ। ये लीजिए, बढ़िया स्प्रिंग अनियन, दो स्प्रिंग अनियन ले लिए, और ये स्प्रिंग अनियन, अब ये इसमें डाल लेता हूँ। आहा, और ये जो चिकन है, ये ले लिया इसमें। क्या बात है, ये देखिए, मस्त वाला चिकन बन गया। अब ये बस थोड़ी देर पकाएं, जब पूरा मसाला सूख जाए बंद करें, और ये लीजिए, आहा, क्या बात है, ये लीजिए, बड़ा सिंपल है। मुझे तो मतलब इतना मज़ा आ रहा है, ये देख के पूछिए मत, क्योंकि सिंप्लिसिटी है, फटाफट बन गई। जिंजर का इन्फ्लुएंस है, और सर्दियों में ना जिंजर बड़ा अच्छा होता है खाने के लिए, जैसे ये मैं खा रहा हूँ।
जिंजर क्योंकि फ्राई करते वक्त भी था चिकन में, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, बहुत ही मज़ेदार, और ये आप खाएंगे ना मज़ा आ जाएगा। चिकन बिल्कुल सॉफ्ट है क्योंकि कटिंग हमने ऐसे की कि चिकन सॉफ्ट रहेगा, और डिश इतनी स्वादी है कि स्वाद से ना मुँह में पानी आ रहा है। आप कर लीजिए प्लीज़, मैं मतलब एक पीस से मेरा कुछ नहीं होगा। जिंजर चिकन, इसे बनाने के लिए चिकन छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। एक बोल में अदरक पेस्ट, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पेस्ट, चिकन के टुकड़े और नमक मिला लीजिए। उसी बोल में एक अंडा फोड़कर मिला लीजिए। कॉर्नफ्लावर मिलाकर 15 से 20 मिनट तक मैरिनेट होने रख दीजिए। कढ़ाई में तेल गरम कर लीजिए। चिकन के टुकड़े सुनहरे और कुरकुरे होने तक तल लीजिए। टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए। दूसरे नॉनस्टिक पैन में एक बड़ा चम्मच तेल गरम कर लीजिए। सूखी लाल मिर्चें तोड़कर पैन में डाल दीजिए। उसमें अदरक डालकर 2 से 3 मिनट तक भून लीजिए। इसमें बची हुई लाल मिर्च पेस्ट, चिकन चिली मसाला और चिकन स्टॉक मिलाकर गाढ़ा होने तक पका लीजिए। हरा प्याज और उसके पत्ते काटकर पैन में मिला लीजिए। तले हुए चिकन के पीसेस डालकर मिला लीजिए। सर्विंग बोल में निकालकर गर्मा गर्म सर्व कीजिए।